और हम ये बात कर रहे हैं कि अपने अंदर भी खोजें और ये भी देखें कि बाहर क्या कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो ये करेज पैदा करने की ज़रूरत है और थोड़ा असर्टिव होके, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स सीख के ये बात की जा सकती है। और फिर पेरेंट्स जो हैं उनके साथ उन बच्चियों की वो कम्युनिकेशन नहीं है कि वो उनसे बात कर सकें। इस तरह की स्नौयती कॉन्वर्सेशन कीजिए, ये करेंगे तो आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकेंगे या ट्रस्ट विन कर सकेंगे। एक स्कॉलर ने एक दफ़ा बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी कि बच्चा आता है और अपनी अम्मा को बोलता है कि अम्मा लेट्स से फातिमा, ठीक है, तो अम्मा से कहती है अम्मा वो जो मेरी क्लास में फातिमा है ना, तो अम्मा कहती कौन फातिमा, बस नेक्स्ट टाइम द अम्मा विल बी द लास्ट पर्सन जिसके पास वो बच्चा आएगा और कहेगा बिकॉज ऑफ योर रिएक्शन। लड़की होने के नाते मुझे किन एरियाज पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है, इसके ऊपर फोकस ज़रूर करने की ज़रूरत है। अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना, अपनी विजन को थोड़ा ब्रॉड रखना, अपने वालदैन से सही मामलात पे गुफ्तगू करना और अपने आप को एक ज़िम्मेदार रवैया देना कि घर वाले हमें इस मामले में भी सीरियस लें, हम रोल प्ले करें। बिल्कुल सही है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अच्छा बेटा, वो तुम्हारी वो जो है ना वो आंटी आई थी आज ना, तो हम बहुत खुश हैं बेटा, हम कितने खुशकिस्मत हैं। पता है वो जावेद के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी, तो तुम्हारे बाबा तो कह रहे थे कि आइडियल है, बिल्कुल आइडियल है, बचपन से हम जानते हैं बेटा, घर का बच्चा शरीफ। बस 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 मामा, एक मिनट,